So let's talk about the 9th of मार्च इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में होना चाहिए कि ये मालाबार कोस्ट कहाँ है, कोंकण और ये जो कोरोमंडल कोस्ट है, यू शुड नो इट्स वेरी वेल। अभी कोई पिक्चर आने वाली है मराकर करके, तो उसके ऊपर कोई विवाद आया है। तो मराकर एक क्लेन हुआ करती थी, जो कि जोमरिन एक राजा हुआ करते थे आपके कलिकट, या फिर जो आपके जोमरिन क्या हुआ करते थे कि एक तरह के रूलर्स हुआ करते थे मालाबार कोस्ट उसके आसपास। तो हुआ क्या था कि जो पोर्तुगीज़ जो थे उन्होंने आक्रमण किया था। तो जब पोर्तुगीज़ ने आक्रमण किया था तो जोमरिन जो राजा थे वो मराकर के पास गए और उनसे मदद ली, और फिर यानी पोर्तुगीज़ जो है उनसे लड़ाई करी। तो मराकर जो थे जनरली मुस्लिम हुआ करते थे, हालांकि कुछ हिंदू और फलाना ढिमका भी हुआ करते थे। बट इट इज़ काइंड ऑफ स्टोरी दैट यू शुड नो अबाउट द साउथ इंडिया। साइलोन जो है बेसिकली इसको श्रीलंका कहते थे, सिलोन जो भी है। अभी नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमन के द्वारा, प्रेसिडेंट ये देता है एक्चुअली अवार्ड, और इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, वी कैन से प्लीज कि अवार्ड इज़ नॉट गोइंग टू आस इन यूपीएससी। इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो एक्चुअली रशिया के अंदर वोटिंग राइट दिए गए थे 1917 के अंदर वुमेंस को, उसकी याद में जो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इट्स दैट समथिंग। जेंडर सोशल नॉर्म्स को इंडेक्स होती है, जो कि यूएनडीपी द्वारा निकाली गई है पहली बार। तो उसमें बताया गया है कि वुमेंस के साथ जो है वो बाइस्ड होती है, मतलब उनके साथ जो है बर्ताव ठीक नहीं किया जाता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और अलग अलग जगह पर उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है। तो उसके लिए कुछ इंडेक्स निकाली है उन्होंने। एक डिक्लेरेशन है जिसका नाम है बीजिंग डिक्लेरेशन, जिसमें औरतों के साथ जो वुमेंस के राइट हैं और जो इनक्वालिटीज़ हैं उसको इस प्लेटफॉर्म पर लाया गया है, जैसे मी टू कैंपेन एंड ऑल। तो ये डिक्लेरेशन है जो है आप थोड़ा सा देख लें। नेक्स्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी एनजीओ जो होता है उसको ये डिक्लेयर करके कि यार ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता है इसलिए उसको बाहर से फंड नहीं ले सकता, ये ठीक नहीं है। तो फकरा जो ये आपके जो 2010 का एक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ गृह मंत्रालय द्वारा जो है हैंडल किया जाता है। वी ऑलरेडी कवर्ड दिस इन मेनी टाइम्स। एनफोर्समेंट की अपन बात करें तो अभी राणा कपूर जो है यश बैंक का फाउंडर है, उसको गिरफ्तार किया गया है अकॉर्डिंग टू पमला एक्ट के तहत, प्रिवेंशन टू मनी लॉन्ड्रिंग। और इसमें क्या है कि जो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये दो प्रकार की चीज़ों को कंट्रोल करता है, एक तो फेमा एक बमला। तो इसमें क्या है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, पहले इकोनॉमिक में आता था। जो ये फेमा एक्ट है ये सिविल केस के ऊपर लगाया जाता है, जिसमें क्वाशी जुडिशल्स के पास पावर होती है। बमला जो एक्ट है वो क्रिमिनल केस के अंदर लगाया जाता है, इन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल। तो फ्यूचर भी इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है उसके तहत राणा जो कपूर है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उससे अब ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर तभी लगाया जाता है जब 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का घपला किया हो। इसके अंदर एक स्पेशल कोर्ट भी बनाई जाएगी जो कि पमला एक्ट के तहत बनाई जाएगी, पमला जो कि क्रिमिनल कोर्ट होती है। नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का जो स्टेटस है वो सही नहीं है, राज्यसभा की कोई कमेटी है उसने कुछ ऐसा बोला है। यहाँ बच्चों के पास ना तो इलेक्ट्रिसिटी है ना ही प्ले ग्राउंड है। तो समग्र शिक्षा स्कीम जो है उसके तहत हमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। जो महात्मा गांधी जो जो कि मनरेगा है उसको आप उससे जो स्कूल है उसके ग्राउंड बनवाइए, और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यू को बोलिए कि बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाइए। आप गवर्नमेंट जो है दिल्ली की, उसने क्वालिटी एजुकेशन, अमीर और गरीब जो स्कूल थे उनको आपस में एक करने का काम किया, दैट वाज ए गुड थिंग। क्यासा नूर एक फॉरेस्ट डिजीज़ होती है जो कि एक वायरस की वजह से होती है, ये रोडेंट और मंकी वगैरह इनकी वजह से हो सकती है, रोडेंट मतलब चूहे, तो ये काटने से हो सकती है, डेड मंकी किसी से भी हो सकती है, वायरस होता है ये। जनरली जो आउटडोर यानी गांवों के अंदर जो काम करते हैं उन लोगों को हो जाता है ये। एलिसा टेस्ट जो होता है वो बेसिकली एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करने का एक टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है। ये एड्स के अंदर भी एलिसा टेस्ट करवाया जाता है और इसके अंदर भी कर सकते हो। कोड ब्लड बैंकिंग का मतलब ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है कि उसके पास जो एम्बिलिकल कोड जो होती है उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। तो कुछ लोग जो है गलत तरीके से ये स्टोर करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा 1-1 लाख रुपए मांग रहे हैं कि भाई आप इसको स्टोर करवा लीजिए, आपको भविष्य में फ़ायदा होगा। जो एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है बेसिकली ये इसमें स्टेम सेल्स होती है जो कि आपके फ्यूचर की बीमारियां जैसे कैंसर ये उन सब में मदद कर सकती है। तो स्टेम सेल जो होती है वो जनरली आपके बोन मेरो में भी पाई जाती है, लेकिन जो आपकी एम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है ये स्टेम सेल्स होती हैं, दैट कैन बी यूज इन द फ्यूचर डिजीज कंट्रोल। तो लोग जो है इलीगल रूप से पैसा ले रहे हैं। कोई इंडिया और मिलिट्री के बीच में कुछ कॉपरेशन के लिए कुछ डायलॉग वायलॉग किया जाए गया है, कोरोना वायरस का फालतू का कुछ लेना देना नहीं है। रेड पांडा जो है एंडेंजर्ड है इंडिया के अंदर, आई सॉरी IUCN के हिसाब से ये सिक्किम और मेघालय वगैरह अलग अलग जगह पाया जाता है।
सेकंड रैंक है इंडिया की और फर्स्ट रैंक है चाइना की, जहाँ पांडा और रेड पांडा पाए जाते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया ये आपको सबको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे नामदफा ये वगैरह, कंचनजंगा। तो ट्रैफिक की अभी कोई रिपोर्ट निकाली है इन्होंने, तो उसके ऊपर आया था ट्रैफिक। अपन आईएएस में पूछा गया भी है कि भाई ये एक तरह के एनजीओ एंड फालतू की बातें हैं, वी ऑलरेडी कवर्ड इट। बाकी और कुछ खास न्यूज़ है नहीं इसमें। और नेक्स्ट चलते हैं अपने हिस्ट्री के ऊपर। तो देखिए, जो बंगाल का पार्टीशन है वो 1905 में लॉर्ड कर्जन नामक एक बंदे ने किया था। उसके बाद में 1911 के अंदर इस पार्टीशन को हटा दिया गया था, जिसका लॉर्ड ये हार्डिंग जो था उसने बोला कि 1911 के अंदर जो है ये पार्टीशन को वापस कैंसिल कर दिया गया। कैलिको एक्ट जो है उसके तहत में क्या होता है कि जो प्रिंटेड कॉटन हुआ करती थी, जो इंडिया से लंदन जाया करती थी, उसको कैंसिल कर दिया। उससे क्या है कि भारतीयों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। होम रूल लीग जो है 1916 के अंदर आया था, और इसका पहला काम था कि स्वदेशी को अपनाना और सेल्फ गवर्नमेंट को अपनाना। हालांकि हमें आज़ादी और इलेक्ट्रोल के बारे में इसमें चर्चा नहीं की थी होम रूल के अंदर, कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। बाद में यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो एक्चुअली क्यों क्यों हुआ करती थी, ये हेनरी विवियन ने स्टार्ट करी थी आपके हिंदू कॉलेज कोलकाता के अंदर, हालांकि उसका किसी ने साथ नहीं दिया। चंपारण कैंपेन की बात करते हो, सबसे पहले जो चंपारण जो ये जो सत्याग्रह शब्द है वो आपके रॉलेट एक्ट के अंदर जो है इंडिया में यूज़ किया गया था। हालांकि गांधी जी ने इसको अफ्रीका में कई बार यूज़ किया था। तो गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ला की ओर से चंपारण बिहार गए थे। इसमें इंडिगो 3/20 पे जो है वो थिंक करटिया सिस्टम जो है उस पर उसके ख़िलाफ़ गए थे गांधी जी, और कहा किसानों की मदद की थी और किसानों को कंपनसेशन भी दिलवाया था 25% के हिसाब से। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, रेपो के नाम से पता चलता है कि आरबीआई जो है इसमें कुछ कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है कि जो बैंक होते हैं उनको ये पैसा दे रहा है, यानी लिक्विडिटी दे रहा है ऑन दी रेपो रेट के ऊपर, कुबेर कुबेर जो इसका प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से। तो आरबीआई जो है बेसिकली अपनी लिक्विडिटी मतलब बैंकों के अंदर बढ़ाना चाहता है, ताकि लोगों के पास जो पैसा कम है वो ज़्यादा चले जाए। रेपो रेट के ऊपर आपको 1 साल या 3 साल के लिए आप इसके ऊपर पैसा ले सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं गोल्डी जोन। गोल्डी लॉक जोन जो होते हैं बेसिकली किसी भी स्टार के आसपास का ऐसे एरिया जहाँ पे पानी पाया जाता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। तो जो सूरज है, सूरज भी एक स्टार है, सूरज के बेसिकली 3 प्रकार के गोल्डी जोन पाए जाते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आपको लाइफ या पानी मिलेगा ही मिलेगा, बट संभावना रहती है। तो वीनस, मार्स और अर्थ 3 जो हैं गोल्डी जोन हैं सूरज के। ब्रह्मोस एक मिसाइल होती है जो कि क्रूज और सुपरसोनिक होती है, और ये बेसिकली इसकी रेंज 500 किलोमीटर की अभी रिसेंटली इसको बढ़ाई गई है। ये ग्राउंड वाटर बोर्ड है जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के अंदर आता है, ये इसको ओपन कवर करने की जरूरत नहीं है, इस कॉमन सेंस की बात है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की अपन बात करें तो जो 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो ये उसको एक्ट उसको लागू करना पड़ेगा। जो कमिश्निंग वुमन यानी कि जो बच्चा गोद लेती हैं 3 महीने से कम का, उनके लिए 12 वीक की छुट्टियों का प्रावधान दिया गया है इसके अंदर। इसके अलावा एम्प्लॉयर जो होता है यानी जिसके यहाँ औरतें काम कर रही होती है, उनको औरतों को एजुकेट करना होता है, उनको बताना होता है कि मैंडेटरी रूप से कि भाई आपको ये फ़ायदे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा जो 50 एम्प्लॉयज़ अगर आपके संस्था में हैं तो आपको क्रच फैसिलिटी भी बनानी पड़ेगी। एमपी का सस्पेंशन कौन कर सकता है, स्पीकर कर सकता है लेकिन रिवोक नहीं कर सकता, 50 बार पढ़ चुके हैं अपन। नारी शक्ति देखना नहीं अपने को। नामदा एक तरह का क्राफ्ट होता है जो कि आपके कश्मीर के अंदर होता है, इसके अंदर मैटिंग यानी कि चटाई वगैरह बनाई जाती हैं। स्वाइन करके कोई एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ मतलब जो जानवरों को मारते दौड़ते हैं उनको रोकने का कार्य किया जाता है, इसकी कुछ मेंबर कंट्रीज हैं। म्यांमार इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर है। अभी जो बजट आया था 19-20 का, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर एक नई न्यू पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज बनाया गया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करके, जो कि जो स्पेस की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी कैपेसिटी को बिल्डिंग करेगा और जो मार्केट में नए नए प्रोडक्ट बेचेगा स्पेस के रिलेटेड, तो इंडिया को फ़ायदा होगा। सो दिस इज़ हाउ आवर न्यूज़ फिनिश। थैंक यू।